सुबह उठते सारी दोस्तों ने मेरे को विश करना शुरू कर दिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी यहाँ पर एक पार्टी है, पार्टी में हम आए हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे दोस्त क्या बात कर रहे हो, हमारे जन्मदिन पे पार्टी दे रहे हो नहीं अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक केक काटा नहीं है, सुबह से अभी कोई केक नहीं काटा है, लेकिन अभी काटने वाले हैं, आप सबको खिलाएंगे केक। मैंने 2013-12 या 2013 में शुरू की थी, और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल में कहाँ? हिमाचल में एक जगह पड़ती है नालागढ़, चंडीगढ़ के पास ही है, वहाँ से रहने वाला हूँ। पहला कुछ नहीं था, लेकिन हमारे एक दोस्त थे जो मुझे यहाँ पर लेके आए थे, और टेक्निकल लाइन में आया था मैं यहाँ पे, और वहीं से चंडीगढ़ में पहले मेरी शुरुआत हुई थी, उनके साथ ही एडिटिंग करता था, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर उन्होंने जॉब दी थी कियोशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसके बाद मैं उनके साथ सीखा यूट्यूब का और ये सब कैमरा वगैरह सीखा मैंने वहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप ही चालू कर दिया अपना काम। बिल्कुल दिखाएं, क्योंकि जब मैं आया था मैंने घर से कुछ नहीं लेकर आया था, और मैं यहाँ पर 4 महीने पहले मैंने फ्री में काम किया उनके साथ, जो कंपनी थी मैं उनके साथ फ्री में 4 महीने फ्री में काम किया, उसके बाद 3,000 रुपये मैं पेमेंट पे काम करता, हर महीने 3,000 रुपये पेमेंट पे काम करता था, और धीरे धीरे मेरी शुरुआत वहीं से हुई, और मैंने देख के सबको कैसे क्या करते हैं वो जैसे सीखा और अपना काम चालू कर दिया। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो नहीं, अच्छा है जो नए लड़के आ रहे हैं, जब पुराने जब जाएंगे तभी तो नए आएंगे, और हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छे से काम करिए, हम तो यही कहते सबको। देखो जी, आप रामलीला में अभिनय भी करते थे, हमें पता चला है। बिल्कुल, मैंने 10 साल राम जी का रोल किया वहाँ पे, 10 साल लगातार मैंने राम का रोल करता रहा वहाँ पे। क्या बनते थे मंदोदरी? राम राम बोल तो रहा हूँ। और अभिनय में क्यों नहीं गए? अभिनय में क्यों आप इस मीडिया से? बस क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे मैंने टेक्निकली लाइन चुनी थी, मेरे जो बॉस थे वो कह रहे टेक्निकल लाइन पकड़ ले, ये अच्छा है, मैंने वही शुरुआत से वही पकड़ के रखा था मैंने। बॉलीवुड के कौन से सबसे बड़े सेलिब्रिटी जिसे चर्चा हो रहा दिलना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन। क्या कुछ खास है उनको बताना? अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, और बहुत ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ, और हर एक डायलॉग बहुत प्यारा, मतलब अच्छे लगते हैं उनके बोलते हुए। नहीं, मुझे कोई अभिनय नहीं चाहिए, जैसा मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा अपने लिए। किसी हीरोइन के साथ रोमांस करना है? नहीं, किसी के साथ नहीं करना। भोजपुरी में किसी का नहीं। भोजपुरी में सारे स्टार अच्छे लगते हैं। मैं सबसे मिल चुका हूँ, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, और पवन सिंह, गौरव झा, काजल अगवानी, अमर बाली दुबे, पूजा रजक, नहीं भोजपुरी नहीं हो, संजय भूषण पटियाला, ये हमारे पीआरओ भी है। खेसारी लाल यादव मतलब अच्छे, नहीं गाना तो नहीं मैं गा सकता है, सिंगर ही। कोई खास बात है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो किसी हीरो में? नहीं, सभी अच्छे ही है, किसी कोई खास नहीं। तो करोड़पति में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मौका मिलेगा वो कौन नहीं जाना चाहेगा यार। पसंद पसंद एक ही हमारी। एक्ट्रेस में बात हो रही है, भोजपुरी एक्ट्रेस किसको? हाँ, एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं आपने माता पिता को कितना आदर की जन्म? देखो, जो मैं आज तक यहाँ जहाँ यहाँ बैठा हूँ आज, उनकी बदौलत ही बैठा हूँ, और मैं सारा शेयर उनको ही देना चाहता हूँ, और आज मैं यहाँ पर पहुँचा, मतलब उनको बताया भी नहीं था, मैं 3 महीने घर से गायब था, मैं वहाँ से निकल गया था घर से, मैं कुछ बताया नहीं, मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे जा रहा हूँ, 3 महीने के बाद ही मैंने फ़ोन किया था उनको कि मैं यहाँ पर मुंबई में आ गया हूँ,
तो उनको भी खुशी हुई, लेकिन थोड़ी नाराजगी तो होती है कि हमारा बेटा यहाँ। उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, काम ही करता गया। अभी आप कुछ वेब सीरीज आने वाले और कुछ शो करवाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, वेब सीरीज हमारी चालू है, हम कर रहे हैं अपना शॉर्ट मूवी चालू अभी, वेब सीरीज थोड़ी। बस पर तो ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा लव किया वो नहीं है अभी हमारे साथ, जो दोस्त है हमारे नाम मिला जाएंगे, बलदेव सिंह हमारे दोस्त है बहुत खास से, और जो कि बारामूला पड़ता है यहाँ पे जम्मू में, वहाँ पर शहीद हुए थे, आर्मी में थे वो। हिंदुस्तान के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो आपको दिल्ली बॉलीवुड अड्डा को और काफी चैनलों को न्यूज़ के माध्यम से सुनते रहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक बहुत ही अच्छा चैनल है, और हमारा ये कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं डालता है, सिर्फ बॉलीवुड की न्यूज़ डालता है, और सभी लोग इसे देखें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही मैं सबको। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा दलविंदर धीमान नाम है मेरा। शादी हो चुकी है? शादी नहीं हुई अभी, बिल्कुल है। नाम अभी नहीं बता सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लव मैरिज? लव मैरिज। थैंक यू सारे मेरे जो मीडिया कर्मी है मेरे, किसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, वही मेरे सबसे पहले है, भगवान से पहले मैं उनको ही पूछता हूँ, बस अभी लंबी उम्र करे सबकी। पसीना आ रही है? पसीना आ रहा है, बोलते हैं पसीना आते ही लाइट भी जल रही है। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।